पटना स्मार्ट सिटी पे बहुत सारे ब्लॉग बनाए थे, बिहार डेवलप हो रहा है, बिहार बदल रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोग कमेंट करते थे भैया बिहार में कल पटना ही एक शहर नहीं है और भी शहर हैं। बस सहरसा आने का मौका मिला तो मैंने सोचा चलो भाई एक सिटी का छोटा सा व्यू करते हैं। तो सिटी का व्यू क्या करेंगे भाई, आप देख सकते हो ये अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये सहरसा का प्रशांत सिनेमा रोड है, सहरसा जंक्शन ठीक बगल में है। और मैं वहाँ से जब स्टेशन से जब बाहर निकला, मैं पहले तो होटल के लिए, तो होटल कैसे कैसे होटल मिला, लेकिन होटल खोजने के चक्कर में मुझे ये आप ये रोड देख रहे हैं इस तरह के चारों तरफ रोड मुझे दिखा भाई, जूते मोजे खोल के आप देख सकते हो सामने। आप कह सकते हैं सहरसा के लोग बहुत शांति प्रिय है, तभी तो आप बताइए इस तरह का सड़क होने, इस तरह का सड़क होने के बावजूद ये लोग कुछ कहते हैं ना, अपने जो यहाँ के प्रतिनिधि चाहे वो सांसद हो या विधायक हो कुछ नहीं बोलते उनको। मैंने कुछ लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा भैया इसको भी चुनते हैं वो कोई काम नहीं करता। सड़क आदमी किस तरह से चलने के लिए मजबूर है, भाई भी चल रहा है, चप्पल फंस गया था अभी। ये समझिए सहरसा स्टेशन के ठीक बगल का ये हाल है, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गड्ढे, रोड तो दिखेगा ही नहीं आपको। जब ये कह सकते हैं प्रशांत सिनेमा रोड का ये हाल है जो सहरसा जंक्शन स्टेशन के ठीक बगल में है, तो अंदर सिटी का क्या हाल होगा। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम छोटू। अच्छा छोटू जी, तो छोटू जी ये कौन सा प्रशांत सिनेमा रोड है ना? ये प्रशांत मोर रोड है। अच्छा ये मैं सहरसा का मेन रोड कह सकते हैं, मतलब सहरसा का मेन रोड मेन मार्केट। जी जी बिल्कुल। और अच्छा ये बस स्टैंड इसी रोड से गया है? जी जी। अच्छा जहाँ तक छोटू जी बता रहे हैं ये प्रशांत सिनेमा मेन रोड, प्रशांत सिनेमा रोड जो कह सकते हैं सहरसा का एक लाइफलाइन है। जी बिल्कुल, सहरसा का लाइफलाइन मतलब मेन रोड है समझिए, या मेन मार्केट इसी रोड से लोग निकलते हैं, इसी रोड में आगे बस स्टैंड है। और जब ये रोड का ये हाल है तो इन्होंने बताया भी बहुत बहुत घनिष्ठ इधर मोहल्ला है जो कि इतना दिक्कत हो रहा है सर जिसका कोई जवाब नहीं है। बताइए कल परसों देख हवा है भाई उलट गए यहीं पे। अच्छा छोटू जी हैं सहरसा में, इनका अपना शॉप है आप देख सकते हैं इस तरह से, अपना ये ताला चाबी अपना जो भी यहाँ पे दुकान है इनका। हाँ और यहाँ पे दुकानें भी देख लीजिए, दुकानों के सामने इस तरह से गड्ढे हैं, पानी है कि लोग कुछ लेना भी चाहें तो कैसे जाएं। और जहाँ तक छोटू जी बता रहे हैं, मैंने इनसे पूछा कि छोटू जी सहरसा पूरे सहरसा में ऐसे ही हाल है, तो इन्होंने कहा पूरे सहरसा में यही हाल है। सहरसा में सर जो जो मेन मार्केट है जैसे गांधीपुर हो गया सर, जहाँ से अधिक पब्लिक जो मेन इलाका है अपना सहरसा का वो सब बेकार है सर। अच्छा तो मान लीजिए आप लोग यहाँ पे इसका कुछ बताते नहीं है जो भी यहाँ के जो विधायक हो या सांसद हैं, भाई ये मतलब ये सब रोड मतलब आज के डेट में ये तो लग रहा है कि 1960 और 65 का ज़माना याद आ रहा है। जी जी सर। और ऐसा नहीं है कि बिहार केवल पटना और पटना दानापुर और ये क्या बोलते हैं पटना दानापुर मुजफ्फरपुर में ही बिहार नहीं बसता है, बिहार बहुत लंबा चौड़ा है। आप सहरसा आइए और सहरसा के जो तकलीफें देखेंगे, और भी ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रोड डैमेज है, जहाँ पे गाड़ी पलटी। आज परसों की बात है कि हमारे दुकान के आगे ही हवाई 20 से ही टूट गया 20 से ही पंख हो गया सर, पैसेंजर भी गिरा। और हाँ क्यों नहीं, अरे मैं जो सड़कें देख रहा हूँ उसमें तो भाई अच्छा अच्छा गाड़ी को बनने में पलटी भी मार देगा कोई गाड़ी है ना। जी सर। तो बस मेरा दिखाने का मकसद ये था, मैं ऐसा नहीं कि मैं सहरसा सिटी का कुछ बुराई कर रहा हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सहरसा सिटी का बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो के थ्रू लोग जानें कि हाँ सहरसा में क्या तकलीफ़ें हैं और क्या क्या दिखते हैं यहाँ के लोग, जो डेली बेसिस पे जो यहाँ के लोग फेस करते हैं, क्या दिखते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, जो कहते हैं बिहार बदल रहा है उन तक ये वीडियो पहुँचे और जाने कि हाँ बिहार में किस गिने चुने शहर ही हैं जो डेवलप किए हैं, बाकी जस का तस। मजबूरन भाई को रिक्शा लेना पड़ा। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आप पैदल भी नहीं चल सकते हैं, ऐसी सड़क है कि आप पैदल भी नहीं चल सकते हैं। तो इस शहर को नज़रअंदाज किया जा रहा है।
और ये देखिए मेरे लेफ्ट साइड में सहरसा जंक्शन, ठीक बगल से ये गुमटी है। हम लोग प्रशांत सिनेमा रोड से गांधी पथ की ओर बढ़ रहे हैं, और वो जो भी है मैं आपको दिखाता हूँ क्या है यहाँ का। मुझे डेवलपमेंट के नाम पे तो जीरो दिख रहा है। मात्र आज दिन भर में 10 मिनट बारिश हुआ है, 10 मिनट के बारिश में ये हाल है रोड का। जी पटना कैपिटल का दिखा के केवल ये नहीं कह सकते कि बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है। आप इधर जाएं उधर जाएं वो जगह का नाम बताते थे, तो आज भाई को मौका मिला सहरसा आने का। तो मैंने सोचा था कि कुछ सहरसा सिटी को आपको छोटा सा व्यू दूंगा, लेकिन व्यू क्या दूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ की सड़कें, यहाँ की जो रोड है। लोग यहाँ पर साग सब्जी खरीदने आते हैं, और देखिए पीछे ठकुर बारी है, और ये कह सकते हैं सहरसा का मेन मार्केट है ये, और मेन मार्केट का ये ऐसा ये हाल है। ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, लेकिन मैंने फिर सोचा चलो एक बार ब्लॉग बनाते हैं। ऐसे मान लीजिए मेरे इस वीडियो के थ्रू उस सहरसा का कुछ कल्याण हो जाए तो मैं बहुत शुक्रगुजार मानूंगा अपने आप को। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ का हर सड़क हर गली में यही हाल है, आप निकल नहीं सकते हैं रोड पे। अच्छा ठीक है, आप यहाँ से मोड़ लो, आ जाओ वापस चलो। ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने से ये होगा जो भी हमारे बिहार के जो विकास के अधिकारी लोग बैठे हुए हैं कि हाँ बिहार में बहुत विकास हो रहा है, ये वीडियो उनको उन तक पहुँचे और उन्हें पता चले सहरसा के लोग कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मतलब यहाँ की ना सड़कें की तो बात छोड़िए, यहाँ पे जो मेन मार्केट है यहाँ पे सड़क नहीं गड्ढे हैं, कई गड्ढे में सड़क है। कहा जा सकता है कि सहरसा को एक तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये देख सकते हैं सामने ही सहरसा स्टेशन है, ये रोड सीधा सहरसा स्टेशन की ओर जाता है, और स्टेशन रोड का ये हाल है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बिहार बदल रहा है या बिहार में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत देर खोजने के बाद एक ढंग का होटल मिला, श्रीनिवास होटल। आप देखिए यहाँ पर कुछ लोग बैठ साफ सुथरा है, और यहाँ पे आप कुछ ऑर्डर दे सकते हैं। यहाँ पर डोसा समोसा और स्वीट्स है, डोसा है आपको यहाँ पे डोसा मिल जाएगा, समोसा मिल जाएगा, स्वीट्स मिल जाएगा। निवास होटल जो स्टेशन के पास है, स्टेशन से थोड़ा सा हट के है। अब बाकी आप यहाँ पर घूम नहीं सकते, आप घूमने के लिए आपको आप पैदल यहाँ पे घूम पैदल तो आप घूमने का भूल ही जाइए। यहाँ पे आपने देखा किस तरह के गड्ढे, किस तरह के रोड में गड्ढे कीचड़, कह सकते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे जीरो। मैं कह सकता हूँ जो सिटी को जो भी सिटी मैंने तक आधे घंटे में जो भी मैं घूमा सिटी के तरफ, सिटी का जो मेन मार्केट गांधी पथ फिर मकान सिनेमा रोड, हर रोड का यही कहानी है, अब डेवलपमेंट के नाम पर जीरो है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से ये हो कि लोग बाहर के लोग जाने कि सहरसा के लोग क्या क्या तकलीफें झेल रहे हैं। कोई दिल्ली मुंबई का आदमी अगर एक दिन के लिए आ जाए यहाँ पे तो एक घंटे भी नहीं टिकेगा यहाँ पे। मैंने अभी ऑर्डर दिया है मसाला डोसा खाएँगे, फिर जाएँगे होटल को। अब मेरी ट्रेन है कल की, सारी रात को बिताना होगा सहरसा में। चले, मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं कुछ सहरसा का दिखाऊंगा, डेवलपमेंट दिखाऊंगा, कुछ डेवलप किया होता है यहाँ, डेवलपमेंट यहाँ पे कुछ नहीं है। बाय एंड टेक केयर।